भारत भाग्य दिखाता पंजाब बसंत गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल गाय गंगा उत्कल रंग तिरंगा जय हो जय हो जय हो। इस वीडियो में देश के राष्ट्रगान को ठीक से नहीं गा पा रहे कोई और नहीं बल्कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी हैं। नीतीश सरकार में जब से मेवालाल चौधरी को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है तब से वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। कभी भर्ती घोटाला तो कभी पत्नी की संदेहास्पद मौत के मामले पर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब RJD ने ये वीडियो ट्वीट कर मेवालाल चौधरी को संकट में डाल दिया है। लालू यादव की पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता। नीतीश सरकार जी शर्म बची है क्या? अंतरात्मा कहां डूब गई है? ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, यहां तक कि ट्विटर के टॉप ट्रेंडिंग पर यह वीडियो छाया रहा। RJD ने एक अन्य ट्वीट पर मेवालाल चौधरी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि भ्रष्टाचार के आरोपी और नीतीश कुमार के नवरत्न नए शिक्षा मंत्री ने मेवालाल चौधरी पर उनकी पत्नी की संदेहास्पद मौत का भी आरोप है। जब मीडिया ने सवाल किया तो उनका PA धमकाने लगा। NDA की गुंडागर्दी चालू है, महाजंगल राज के दिल्ली वाले महाराजा मौन है। वही मेवालाल चौधरी का ये वीडियो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता व पूर्व सांसद संजय निरुपम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। संजय निरुपम ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ये बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं। कहते हैं ये जनाब पहले किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, राष्ट्रगान भी नहीं गा पाते, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप इन पर हैं सो अलग, भारतीय लोकतंत्र के इन पापों को कौन धोएगा। बताते चलें कि तारपुर के नवनिर्वाचित जदयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। राजनीति में आने से पहले मेवालाल चौधरी साल 2015 में पहली बार JDU विधायक बने थे, जबकि इससे पहले तब वो शिक्षक के तौर पर सेवा दे रहे थे। उनके कुलपति रहते कृषि विश्वविद्यालय में साल 2012 में सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिकों की बहाली हुई थी। बताया जाता है कि उस नियुक्ति में धांधली की गई थी। कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला सबौर थाने में साल 2017 में दर्ज किया गया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत मिल गई थी और अभी तक कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है। बताते चलें कि मेवालाल चौधरी की पत्नी दिवंगत नीता चौधरी राजनीति में काफी एक्टिव रही थी। वो जदयू के मुंगेर प्रमंडल की सचेतक भी थी। साल 2010 से साल 2015 में तारापुर से विधायक चुनी गई थी। इसके बाद 2019 में गैस सिलेंडर में लगी आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई थी। वहीं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत के मामले में उनसे पूछताछ की मांग की है। इसके लिए उन्होंने DGP SK सिंगल को पत्र लिखा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।